लाइव चल रहा है, ये कोई महीना दो महीने का ये नहीं है। संविधान का प्रारूप बनाने में करीबन 3 साल लगे, 2 साल 18 महीने, और यह 3 साल में समिति बनाई गई थी। संविधान का जिसके की चेयरमैन थे लेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति जो खुद ही एक जुरिस्ट थे, और बहुत सारे देश जहाँ उस समय की संविधान बनी हुई थी उन सबों का अध्ययन करके उसमें निचोड़ उसका ले करके एक भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें काफी और भी कानून के ज्ञाता लोग उसे ड्राफ्ट तैयार करने में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट में बनी, जहाँ की उनके समक्ष ये पेश की गई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और ये 26 नवंबर 1949 को ये द्वारा पास की गई, जिसे इतनी मेहनत से बनाई गई है, आप देखेंगे अनुशासन का बहुत ही महत्व है, अनुशासन का बहुत ही महत्व है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। सब इक्वलिटी राइट पे कुल भागों में हम लोग ने सब बराबर कार्यपालिका बनाया, विधायिका बनाया, न्यायपालिका बनाया, सबों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। जैसे आज यहाँ आयोजन हुआ है, मैं समझता हूँ सबों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही में लगे हैं, कोई पोस्टर बनाने में ध्यान भी नहीं था, कैसे पोस्टर बनी है, जो इतनी अच्छी पोस्टर बनी है कुछ देखना है कौन अच्छा है कौन खराब है, तो मुझे लगता है किसको भी आउटसोर्सिंग भी हम कर दें या वही बता दें मुझे कौन अच्छा है जितने पोस्टर को तीन भाग बना, एक को दे एक को दो तो एक को तीन, सभी उसमें आ जाए, एक कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए सबका अलग अलग एक ड्यूटी दी गई, संविधान में भी दी गई कि हमारा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या राइट्स है, इसको भी दिखाया गया। ये सभी बातें जो कि क्या मेरा फंडामेंटल राइट है, क्या मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये सब क्या है, एक है अनुशासन का ही एक प्रारूप है, हमारा ड्यूटी है। कोई भी हो, लॉ का हो या दूसरे का हो, हम ये जानना है, शिक्षा लेना है, नंबर ज्यादा आ सकता है, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज है हमें डिसिप्लिन होना है, जिसमें कि हम दूसरे को लीड कर सकें, कि डिसिप्लिन लाइफ का तो यह हम आप आए हैं विद्यार्थी के सुनते हैं शिक्षक हैं उन लोगों के मार्गदर्शन में उन्हें अच्छे नंबर अच्छी पढ़ाई करने जो आवश्यक है,
एक बजा भाई उन सबों से भी और एक आवश्यक है कोई कहे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें सचिव साहब कैसे शिक्षक से व्यवहार करना है शिक्षा को कैसा व्यवहार करना है सबों को जैसा शिक्षक करेंगे सभी जगह वही है तो ये इंस्टीट्यूट है और इस उन्नति में सबों का लगन है इस पे दो निवेदन करूंगा कि म्यूजिक बेंच पर एक रजिस्टर है उस पर अपनी ऑटोग्राफ दें और ये जो बच्चों के द्वारा बनाई गई है पोस्टर जिसे हमने एग्जीबिशन के रूप में प्रस्तुत किया उसे देखकर जो भी फीडबैक हो वो फीडबैक रजिस्टर में दे दें